नमस्ते, मैं हूं देव, आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। एडवांस्ड म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्स विद एफएल स्टूडियो का ये 11th लेक्चर है और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लगइन के बारे में बात करने वाले हैं एडवांस्ड म्यूजिक प्रोडक्शन में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिए और अगर ऑन है तो एक बार ऑफ करके फिर से ऑन कर लीजिए सो दैट आप कोई भी लेक्चर मिस ना करें। और मेरा नया चैनल है देव नेक्स्ट लेवल बीट्स, इसके ऊपर फ्री बीट्स मैं अपलोड कर रहा हूं, इसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, एकदम नया है। बैक टू द टॉपिक, आज मेरा नया जो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वो है मेरा मॉफिन, जो कि एक एडिटिव सिंथेसाइजर है। इसके बारे में मैं क्यों बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स को एफएल स्टूडियो यूज़ करते देखा है, जो अलग अलग एक्सटर्नल कोई सीरम, स्पायर, साइलेंस, नेक्सस, इस सब के ऊपर वो काम कर रहे होते हैं और उनको नहीं मालूम होता कि कितना ज़बरदस्त एक ब्रह्मास्त्र लेवल का VST ऑलरेडी एक स्टॉक VST जो हमारे अंदर ही होता है एफएल स्टूडियो के अंदर ही। यहाँ अगर हम देखें बाय डिफॉल्ट, जैसे अगर हमारे सामने ये आता है तो क्या साउंड्स हैं, ठीक है, ये मैं साउंड सुन रहा हूँ, ओके, और मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो बहुत सारे यहाँ पर मेरे पास प्रीसेट्स आ जाते हैं जो मुझे यहाँ पर नज़र आ भी रहे हैं। पैड्स हैं, कीबोर्ड है, लीड्स हैं, ओके, विंड है, सिंथेटिक कॉयर वगैरह हो जाएंगी, कुछ साउंड इफेक्ट्स हो जाएंगे, राइट, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके बारे में मैं आपको क्यों एक डिटेल चीज़ बताना चाहता हूँ कि सिर्फ प्रीसेट्स ही नहीं, अगर आप इसको एकदम डिटेल में थोड़ा समझ लें तो ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल साउंड आपके लिए बना सकता है आपके सॉन्ग के अंदर। मैं यहाँ जाता हूँ ऑप्शन, इस पर क्लिक करता हूँ और एकदम रीसेट प्रोग्राम मैं क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने रीसेट किया, आप देखेंगे मैं क्लिक तो कर रहा हूँ, ये देखिए मैं क्लिक करता हूँ, शायद मेरे माइक्रोफोन से आपको आवाज़ भी आती होगी, तो यहाँ पर नोट ऑन हो रहा है लेकिन कोई साउंड नहीं आ रही। उसका रीज़न ऑब्वियसली कोई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पर दी ही नहीं है। तो मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर जाऊँगा जनरेटर, मेरे पास यहाँ पर 4 जनरेटर्स दिए गए हैं। चलिए मैं एकदम पहले जनरेटर पे जाता हूँ और यहाँ पर एक सिंगल पार्शियल बनाऊँगा मैं साउंड जनरेटर के एकदम पहली पोजिशन पर। नोट मैंने ऑन किया, ये देखिए ऑन किया, ऑन करने पर यहाँ पर दिखता है, एक बेसिक साइन वेव, एक सिंपल साइन वेव बन गई है। ऐसे आप अलग अलग लेवल के पार्शियल ऐड करते जाएंगे तो अलग अलग वेव्स यहां पर बनती जाती हैं। सुनते हैं किस तरह से, राइट, और राइट क्लिक से वो सब रिमूव हो गया, वापस एकदम एम्प्टी। ठीक है, अब यहां मैं क्या करने वाला हूं, अगर मैं एक फंडामेंटल यहां पर रखता हूं जिसका एम्पलीट्यूड, जो वॉल्यूम है यहाँ पर लिखा भी एम्पलीट्यूड, मैंने 100% एकदम ऊपर यहाँ पर रखा और मैं ऑड हार्मोनिक्स ऐड करता जाऊँ वॉल्यूम ड्रॉप करते हुए, तो एक स्क्वेयर वेव बन जाएगी साइन की जगह। किस तरह से, आप साउंड सुन रहे हैं, तो साइन से वो स्क्वेयर की तरफ जानी शुरू हो गई। अब ये जो ऑड है या इवन है या हार्मोनिक्स, किस तरह से अगर मैं इसके शॉर्ट बनाना भी चाहूँ, यहाँ पर मैंने एक फंडामेंटल दिया, मैं यहाँ जाऊँगा, मेरा शॉर्टकट है 1 1, क्यों है, ताकि मैं एक एक कोई भी ऐड कर सकूँ, पर यहाँ से मैं जाता हूँ और मैंने कहा कि मैं ऑड ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, और या फिर मैं यहाँ पर इवन, तो इस तरह से आप ट्रायंगल वेव हो या सॉ टूथ वेव हो, हर तरह की वेव हम बना सकते हैं ऑड और इवन के, अगर मेरे बेसिक्स क्लियर हो। इवन मेरे पास आ गई है, मैं ऑड पे जाता हूं, थोड़ी सी मैंने ऑड रखी है, ठीक है, वापस मैं इवन को कंट्रोल करता हूं, आप देख रहे हैं वही ट्रायंगल वेव बननी शुरू हो गई। तो अलग अलग वेव फॉर्म्स बननी शुरू हो जाती हैं, किस तरह की हैं, सॉ है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, साइन है, जो कि एक साउंड डिजाइन का बेसिक होता है। एक साउंड डिजाइन का लेक्चर नहीं है, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि कितना ज्यादा पावरफुल टूल हमारे स्टॉक प्लगइन्स में होता है। तो हमारे घर में ही इतने अच्छे हथियार हैं, हमें बाहर ढूंढने की उतनी ज़रूरत नहीं होती। हमें लगता है कि उस इंसान का म्यूज़िक इतना ज़बरदस्त इसलिए बन रहा है क्योंकि उसके पास पैसे हैं, उसके पास तो जी तगड़े तगड़े VST हैं, वो तो वेव्स परचेज कर रहा है, वो तो साइलेंट परचेज कर रहा है। नहीं, पहले एटलीस्ट मैं अपना घर में देखूं कि मैं बेस्ट ऑप्टिमली यूज़ क्या क्या कर सकता हूं। जिस दिन आपने एकदम बेसिक क्लियर कर लिए, उस दिन आपको पता लग जाएगा कि 90% से ज़्यादा हम इन हाउस ही बहुत ज़बरदस्त चीज़ें यहां पर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर जाता हूं, मैंने यहां क्लिक किया और मैं कोई भी एक लीड ले लेता हूं, चलिए लीड ली, इसमें से कौन सी लेते हैं, चलिए कोई
चलिए अच्छी लग रही है, तो मैंने एक लीड ले ली और साउंड सुनते हैं इसकी क्या है। बहुत बढ़िया, कुछ प्ले करके देखते हैं। नाइस, बहुत बढ़िया। अब देखिए जो ये ग्लाइड कर रही है वो किस तरह से है, जो ऑब्वियसली यहां पर लिखा है ग्लाइड, बंद कर दिया वो सिंगल सिंगल नोट आने शुरू हो गए, और अगर ग्लाइड बहुत ज्यादा बढ़ा दूं लेकिन बाकी के नोट्स तो सारे ग्लाइड कर रहे हैं लेकिन जो पहला नोट है वो तो एकदम टक करके आ रहे हैं, रीजन अटैक, तो अटैक भी बढ़ा देते हैं। लीजिए वो शुरू का ट्रांजिएंट भी हट गया, कितनी ब्यूटीफुल चीज हम यहां से बना सकते हैं। और मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, मैंने एनवेलप वाले लेक्चर में बताया था, सब कुछ बंद कर दिया, ग्लाइड भी बंद कर दिया, सिर्फ मैंने डिके ऑन की, कितनी अच्छी प्लक बन गई देखिए। राइट, इस तरह से यहां पर मैं जाता हूं, मैंने क्लिक किया, यहां से मैं गया मेरे कीबोर्ड पे और यहां से कोई एक ले लेते हैं कुछ भी रैंडम, चलिए रोड्स ले लेते हैं। ठीक है, ये मैंने रोड्स लिया, इसकी साउंड सुनते हैं क्या है। कितनी खूबसूरत साउंड है, इस तरह की साउंड के लिए आप कितने VSTs, कितने ही सैंपल पैक्स, क्या क्या सर्च करेंगे, आपको मालूम भी नहीं कि FL Studio के अंदर ही इतनी अच्छी ब्यूटीफुल साउंड है कोई सैड रोमांटिक कुछ फील वाला गाना बनाने के लिए। वो देखिए, अगर आप हेडफोन्स में ये लेक्चर्स देख रहे हैं तो लेफ्ट राइट पैन भी हो रहा है और LFO भी हो रही है, वो जो वाइब्रेट आ रही है वो ट्रिमोलो वाला इफेक्ट आ रहा है, काइंड ऑफ मॉड्यूलेशन हो रही है। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन की हमने यहाँ पे बात की है, तो यहाँ से मैं जाता हूँ, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमको दिख रही है, पैनिंग है, डीट्यून कर लो, वेलोसिटी अप डाउन कर लो, ठीक है, फिल्टर है, यहाँ से मैं रिवर्ब बंद कर लूँगा, डिले ऑन ऑफ कर लूँगा, कोरस इफेक्ट कर लूँगा, ठीक है, यहाँ से मैंने इक्वलाइजर ऑन किया, कुछ हाईज मिड लोज अप डाउन कर लिए, बहुत सही। यहाँ से मैं जाता हूँ मॉड्यूलेशन, मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आपको कोई भी एक सिंथेसाइजर अच्छे से समझ आ जाता है तो आप 70-80% ऑडियो इंजीनियरिंग ऑलरेडी समझ चुके होते हैं, क्योंकि कोई भी एक प्लगइन मेकर जब एक पर्टिकुलर प्लगइन दिल से बनाता है और उसका एक रेट रखता है $100, $150 कुछ भी, अगर आप इसे एक्सटर्नली परचेज करें, अगर आप FL Studio यूज़ नहीं करते पर मॉफिन यूज़ करना चाहते हैं तो अलग से भी ये सेल करते हैं इमेज लाइन वाले, तो उसका भी एक कुछ प्राइस है, वो जब प्राइस रखा है तो ऑब्वियसली वो बहुत दिल से बनाते हैं कि एक एक चीज़ ऑडियो इंजीनियरिंग की मैं इसके अंदर ऐड कर दूँ। मैंने मॉड्यूलेशन पर क्लिक किया और यहाँ पर मेरे पास दो चीज़ें दी गई हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास मॉड्यूलेशन के दो सोर्स हैं, एक मेरे पास सिलेक्ट मैं सोर्स करूंगा और एक मेरा टारगेट, ठीक है, और ये जो बीच में जो है अगर ये एकदम सेंटर में हो, बिल्कुल सेंटर में, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, अगर मैं प्लस करता जाऊंगा तो मेरे मॉड्यूलेशन जो है वो बहुत स्ट्रांग इफेक्ट बनाता जाएगा, और अगर मैं माइनस साइड लेफ्ट साइड कम करता जाऊंगा तो इनवर्सली काम करेगी, बेसिकली वो साउंड की मॉड्यूलेशन को ऑपोजिट डायरेक्शन में मिरर करेगी, ये मेन चीज है। राइट, देखते हैं, आप देख रहे हैं हल्का सा साउंड में इफेक्ट है, जैसे मैं ऑन करता हूं राइट। और दूसरी चीज, यहां पर मेरे पास एनवेलप दिया गया है जो ऑब्वियसली मैं चेंज वगैरह कहीं से भी कर सकता हूं, इस एनवेलप के हिसाब से ही वो LFO हो रहा है जिसका रेट यहां पर है, देख लेते हैं कैसे। और राइट क्लिक करेंगे क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप, तो साथ साथ अगर आप नोट प्ले करते जाएं और इसे ऑटोमेट करते जाएं तो उसकी जो वाइब्रेशन है वो भी एकदम चेंज होती रहेगी, किस तरह से, चलिए एक हम करके देख ही लेते हैं। मैंने बंद किया, यहां गया राइट क्लिक पियानो रोल, thank you.
ठीक है ये मैंने रखी, यहाँ गए मॉर्फिन ऑन किया, राइट क्लिक क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप, उसके नीचे यहाँ पर आ चुकी है राइट। इसे मैं वापस से एक कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट किया सो दैट वापस हम वहीं पहुँच जाएंगे। यहाँ थोड़ा चेंज करके मैं देखता हूँ, इसे थोड़ा सा हल्का डाउन कर दिया बिल्कुल एंड में जाके। तो आप देख रहे हैं जो LFO है वो यहाँ जाकर तेज़ हो जाता है, फिर स्लो हो जाता है, ट्रिमोलो की तरह का इफेक्ट है, और वाप इसे एकदम बहुत स्लो हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। साथ में इसे बंद किया और एक बार उसे देख भी लेते हैं कि वो नॉब कैसे मूव कर रही है, साथ साथ हम सुनते रहेंगे और देखते रहेंगे। कितनी ब्यूटीफुल चीज़ है। और यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं ना सोर्स पे, यहाँ क्लिक करते हो तो बहुत सारे मॉड्यूलेशन के सोर्स हमारे पास अलग अलग यहाँ पर आ जाते हैं। तो इतना डिटेल्ड ये सॉफ्टवेयर है। और मैं यहाँ क्लिक करता हूँ चार्ज को सैंपल, मैं क्लिक करूँगा डबल क्लिक, उसको वहाँ पे उसने ऑन कर दिया, उस हिसाब से ही मैं डीट्यून कर सकता हूँ, दोनों का आपस में बैलेंस बना सकता हूँ। तो बहुत कुछ यहाँ पर करने को मेरे पास है, तो इस वजह से ये इतना ज़बरदस्त है मेरा मॉर्फिन कि इसको आप अपने डेली लाइफ में, अपने प्रोडक्शन में, अपने गानों के अंदर यूज़ कीजिए। और डेफिनेटली आपको लोग पूछने वाले हैं कि यार ये वाली वो चीज़ कैसे बना दी, ये वाली स्ट्रिंग कैसे बना दी, ये फलानी चीज़ कैसे बना दी, कौन सा प्लगइन यूज़ किया, और वो हैरान रह जाएंगे जब आप उनको बताओगे स्टॉक है FL Studio के अंदर फ्री में ही आया हुआ था राइट। तो हमेशा ये याद रखें जिसको हम बचपन से ही वो बोलते हैं कि बगल में छुरी और शहर में ढिंढोरा, तो वो वाली चीज़ नहीं करनी है। पहले मेरे पास जो आपस में अपने हथियार हैं उनको मैं ऑप्टिमली यूज़ करना सीखूं, बिल्कुल डिटेल के अंदर सीखूं, उससे ही बहुत एडवांस चीज़ें बन सकती हैं। और देव नेक्स्ट लेवल बीट्स को सर्च करूँ यूट्यूब पर और उसे सब्सक्राइब कर लूँ, बहुत बढ़िया बंदा है, और ये भी बहुत बढ़िया चल रहा है। ये देखो कभी इस तरफ मुंह करके बैठा है, कभी इस तरफ मुंह करके बैठा है, देखो दोनों को सब्सक्राइब कर दो, बहुत बढ़िया। और हम फेसबुक पे जाएंगे या इंस्टाग्राम पे जाएंगे, देव नेक्स्ट लेवल सर्च करेंगे, वहाँ पर काफ़ी मेरे अपडेट्स आते हैं, उनको भी फॉलो कर लीजिए। और आपने ये गाना शायद नहीं सुना होगा तो जाकर ज़रूर सुन लीजिएगा, दो दिन की है ज़िंदगी, मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगा अगर आप सुनते हैं दो दिन की ज़िंदगी, जाकर ज़रूर सुनिएगा, काफ़ी डिफरेंट वाइब आएगी। और लॉजिक प्रो का भी फुल कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जो लोग मैक वाले हैं और लॉजिक प्रो सीखना चाहते हैं वो भी लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके, बहुत ज़्यादा लेक्चर्स इसके भी आने वाले हैं, कंप्लीट कोर्स आने वाला है। मिलते किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए देव नेक्स्ट लेवल साइनिंग आउट, नमस्ते।